अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सीपीसी न्यूज़। मैं हूं अहमद जकी। रेस्क्यू 1122 पिंडी भटियां ने ईमानदारी की आला मिसाल कायम कर दी। चंद दिन कबल बस हादसा में जाम बाग होने वाले शफकत अली की जेब से रकम बरामद हुई थी, जिसे रेस्क्यू 1122 की टीम ने जाम बाग होने वाले शफकत अली के वर्सा को बुलाकर 11,150 रुपये रकम उनके हवाले कर दी, जिस पर वर्सा ने रेस्क्यू 1122 पिंडी भटियां की टीम को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। टाउन कमेटी वनी के तारण में सफाई का अमला गायब, जिसकी वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आने लगे। दूसरी तरफ वनी के तारण का सेवरेज सिस्टम नकारा होने की वजह से गली मोहल्लों में पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदरफ्त में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। गंदे पानी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने का खदशा भी मंडराने लगा। शहरियों ने अल्लाह हुकाम से इस्लाह अवाल का मुतालबा करते हुए कहा कि गली मोहल्लों में सफाई के इंतजाम को बेहतर बनाया जाए।